हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो डिवाइस के अंदर ऑटोमेटिक स्क्रीन टच का प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो उसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने जो है ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, काफ़ी सारे लोगों को सॉल्व हुआ है और काफ़ी सारे लोगों को सॉल्व नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। थोड़ा लेटेस्ट वीडियो है, इसके अंदर मैं कुछ आपको नया ट्रिक बताऊँगा जिससे जो है आप काफ़ी हद तक जो है अपना ऑटोमेटिक स्क्रीन टच का जो प्रॉब्लम है, घोस्ट टच का जो प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग जो है जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको प्रॉपरली पता नहीं चलेगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहो। तो इसके लिए गए सबसे पहले जो है आपको जाना होगा अपने डिवाइस के सिक्योरिटी ऐप के अंदर। तो अगर आपके पास शाओमी पोको रेडमी का डिवाइस है तो सिक्योरिटी ऐप जो है नाम से देखने को मिलता है ये वाला जो एप्लीकेशन, इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको इसके गेमिंग मोड के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पर जो है आपको गेम स्पेस के नाम से जो है ऑप्शन मिल जाता है जो कि ये वाला जो कुछ ऐसा दिखता है, और जो भी गेम अगर आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ होगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो जैसे कि आपको BGMI बाकी कुछ गेम्स मैंने जो है इसके अंदर ऐड करके रखे हुए हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को फ्री फायर के अंदर और BGMI के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद सबसे पहला जो आपको सेटिंग करना है वो करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंटेंट रिकमेंडेशंस। तो इसको जो है आपको सबसे पहले बंद कर देना है। इससे होता क्या है कि इससे काफ़ी सारे आपको एड्स आते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो है एड्स काफ़ी सारे आते हैं और आपका जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली टैप होता है। तो इसको आप लोग बंद कर सकते हो। परफॉर्मेंस मोड में जाने के बाद यहाँ पर अगर आपने जो है गेम DND के अंदर जाने के बाद यहाँ पर अगर आपने रिस्ट्रिक्ट बटन एंड जेस्चर को अगर आपने ऑन नहीं किया तो इसको जो आप लोग को ऑन कर देना। इससे जो है आपको कोई भी कहीं पर भी टैप करोगे तो स्क्रीन काम नहीं करेगा। लास्ट में गाइस यहाँ पर आपको सेटिंग देखने को मिलता है सबसे नीचे एडिशनल गेम सेटिंग का। तो इसके अंदर आपको जो भी गेम आप खेलते हो, फ्री फायर, BGMI पर कोई भी गेम, उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाला जो सेटिंग्स होते हैं सभी डिवाइसेस के अंदर नहीं होते हैं, मैं आपको बता दूं। कुछ ऐसा नॉर्मल सेटिंग्स होते हैं जो कि होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक जो है क्लासिक मोड है, प्रो मोड है और एक कस्टमाइज मोड है। तो काफ़ी सारे इस तरह के मोड आपको देखने को मिल जाते हैं और सभी डिवाइस के अंदर जो ये वाला जो चीज़ है वो नहीं मिलता है। कुछ फ्लैगशिप सीरीज़ के डिवाइस के अंदर मिलता है, तो मेरे पास Mi 11X है, ये एक फ्लैगशिप सीरीज़ का डिवाइस है, तो इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पर जो आप लोग इसको कस्टमाइज वगैरह आप जो है कर सकते हो। तो टच रिस्पॉन्स वाला ये जो है आपको चीज़ देखने को मिल जाता है, टच कंट्रोल्स। तो यहाँ पर जो है टच का जो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट, कुछ आपको एनहेंसमेंट देखने को मिलता है। तो इसको आप लोग जो है किस तरीके से आपको सेट करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इसको प्रो मोड में जो है इसको सेट कर दो। प्रो मोड में सेट करने के बाद जो है काफ़ी हद तक आपका जो ऑटोमेटिक टच स्क्रीन का प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई मुझे जो है सिर्फ गेमिंग के टाइम पर ये जो प्रॉब्लम वो देखने को मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जो इसको प्रो मोड में सेट कर देना है, जो कि प्रोफेशनल गेमर्स के लिए होता है। तो यही चीज़ आपको सेट कर देना है और यहाँ पर आपको टच रेजिस्टेंट एरिया, तो जो कोने वाले साइड से उस यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करते हो या फिर गलती से आपका हाथ वहाँ पर चला जाता है तो वो वाला जो एरिया वो काम नहीं करेगा। तो इसको आप लोग जो है बड़ा घटा सकते हो, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ है, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह यूज़ करते हो तो ये वाला चीज़ आपका काफ़ी काम आने वाला है। आप साइड में जो है स्टॉप बटन को ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको जो है आप लोग यहाँ पर प्रो मोड पर रख देना, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा गेमिंग के टाइम पर। तो ऐसा कुछ है, तो ये सारे सेटिंग्स जो कि आप करो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को भाई हार्डवेयर का भी प्रॉब्लम होता है, हार्डवेयर यानी कि आपके डिवाइस के अंदर ही प्रॉब्लम होता है या फिर आपकी स्क्रीन के अंदर प्रॉब्लम होता है। तो उस केस में जो आप लोग ये सेटिंग करने के बाद भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको जो है या तो डिस्प्ले चेंज करवाना होगा या फिर सर्विस सेंटर में जाके इसको आपको प्रॉपरली चेक करवाना होगा क्या इसके अंदर प्रॉब्लम। बाकी अगर आपको सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली जो है इसको आप लोग करने के बाद आपका जो ऑटोमेटिक टच स्क्रीन का प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी कुछ ऐसा ट्रिक नहीं जिसको आप लोग जो चालू करोगे और आपका जो ऑटोमेटिक टच स्क्रीन का प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को हार्डवेयर से ही प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग फॉलो करो, सॉल्व हो जाएगा। मिलता हूँ दोस्तों।